पूछते हैं किसी को। वही अभी कितनी कटे, कितने मीटर की कटे। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको रामन वाली साइड में जो 4 लेन का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, जो कैफेटेरिया वाला मिहाड़ वाला टनल आ जाता है वो भी दिखाएंगे, और रामन फ्लाई ओवर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको दिखा लेता हूँ डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप चंद्रगोड आ जाता 8 किलोमीटर, नाचरी आ जाता 18, पत्नीटॉप 40 किलोमीटर, उधमपुर 49 किलोमीटर, कटरा 18 और जम्मू 113 किलोमीटर। और ये जाता है फ्लाईओवर जिसमें हमने आपको प्रॉपर वीडियो भी डाल के दिखाई थी। और ये जो बाहर से रोड जाता है क्या बोलते हैं इसको, ये जाता है रामन मार्केट में। इसकी हालत अभी रिपेयर हो रहा है तो इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पुराने वाला रोड उखाड़ दिया और पूरा नया रोड पड़ने वाला है जो रामन मार्केट में जितना भी रहने वाला है। और बाकी हम अभी चलते हैं फ्लाईओवर से और फिर हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं कट एंड कवर टनल और कैफेटेरिया वाला टनल। तो वीडियो में बने रहे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देख सकते हैं, तो भी हम चलते हैं फ्लाईओवर से और आगे चलते हैं कैफेटेरिया मिहाड़ वाली साइड, वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है वो चीज़ आपको दिखाएंगे। और यहाँ से नीचे जाना चाहते हैं तो सीधा आप रामन मार्केट को जा सकते हैं, और फ्लाईओवर से जाते हैं तो आप मार्केट को बाईपास करेंगे। और यहाँ जाता है नाका, ये देख सकते हैं। तो भी हम फ्लाईओवर से चलते हैं भाई साहब। तो ये अभी हम चल रहे हैं रामन फ्लाईओवर से, फ्लाईओवर के उस साइड जाते ही आ जाएगा कैफेटेरिया। और रामन की मार्केट को अगर आप बाईपास करते हैं ना, बाईपास करना चाहते हैं तो फ्लाईओवर से आ जाए, बड़े कुछ ही दिनों में ये ओपन हो जाएगा। मज़ेदार फ्लाईओवर है भाई साहब, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाईओवर नहीं रहने वाला, यहाँ पे कर्व रहने वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल वर्क चल रहा है और ये पूरी अंदर से मार्केट जाती है, मार्केट में अभी काम चल ही रहा है रोड का। और यहाँ से आप पूरी मार्केट को बाईपास करते हैं जब आप इस फ्लाईओवर से जाते हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे खासे व्यूज़ आएँ वीडियो पे। जितने भी भाई कमेंट करते हैं प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे चल के और भी वीडियोज़ बनाएंगे। तो अभी पीड़ा टनल की भी बना सकते हैं जो कि ट्विन ट्यूब समझो, वो भी रेडी होगी सेकंड वाली ट्यूब। और जो बनिहाल का जो ब्रिज फ्लाईओवर था वो भी समझो रेडी हो गया है, तो वहाँ पे भी वीडियोस बनाएंगे अगर इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आता है, जो कि अभी मैंने फिर से डालना शुरू किया है। तो अगर उन पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम डेफिनेटली यार वो भी बनाएंगे भाई, और भी वीडियोज़ बनाएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो गाइज ये आ जाता है कैफेटेरिया वाला टनल, ये देख सकते हैं। सॉरी जो कि पूरे टनल था किसी टाइम बनने से पहले इसका हो गया काम तमाम और अब कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई, तबाही है, तबाही होगी इसकी बेचारे की। और आगे चल के हम आपको आगे कट एंड कवर टनल जिसका काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे। बाकी जो पूरा डैमेज हो चुका है टनल बनने से पहले ही डैमेज हो चुका है, मैंने पहले भी दिखाया आपको वीडियोस में यार, मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार ये चीज़ दिखाना, बुरा लगता है भाई। ये देखो क्या हालत हुई है भाई, जो यहाँ पहले कट एंड कवर टनल बन रहा था इसकी देखो कितनी ज़्यादा बुरी हालत हुई है, इमेजिन। बट जितने भी हाईवे लवर्स हैं भाई साहब दुखी मत होना, क्योंकि यहाँ से आगे काफ़ी अच्छा काम हो चुका है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं पत्थर और यहाँ पे लगी है जेसीबी, और यहाँ से आगे कट एंड कवर टनल का थोड़ा अच्छा काम हो चुका है, वो आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे कट एंड कवर टनल का थोड़ा बड़ा अच्छा काम हो चुका है, ये देख सकते हैं। और देख सकते हैं आप इसी वीडियो में कितना ज़्यादा काम हुआ है, वो भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।
बाकी टू व्हीलर के लिए तो ये रोड रिस्की थी और अभी भी है और हमेशा रहेगी, तो बाकी देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया काम हो चुका है, ये कट एंड कवर टनल एक साइड रहने वाला है, एक लेन कट एंड कवर टनल वाली रहने वाली है, एक लेन आगे से दूसरे वाले टनल की रहने वाली है। जो टनल उस साइड से डैमेज हो चुका था ना, उस साइड से तो काम छोड़ ही दिया, अब इसका इस वाली साइड से दूसरे वाले एंड से मिहाड़ वाले एंड से काम चल रहा है। और लगभग इसकी लेंथ की बात कर लें, इसकी लेंथ रहने वाली है 895 मीटर्स। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी काम चल रहा है इसी का, कट एंड कवर का। बाकी यार रोड काफ़ी गंदा है, कभी भी स्लिप हो सकता है। और यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं भाई, भागो। और यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में, और उसके बाद फिर से यहाँ पे कट एंड कवर टनल का काम हो रहा है। ये देख सकते हैं, और इस रोड की देखो क्या था भाई, है भाई ये नेशनल हाईवे 44 है, जम्मू श्रीनगर हाईवे, बहुत ज़्यादा तबाही है इसकी। ब्रेक मारूंगा तब भी गया, नहीं मारूंगा तब भी गया, क्या करूं भाई साहब। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये रहने वाला है टनल। तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं टनल आ जाता है मिहाड़ वाले एंड से, जिस वाली साइड से टनल का काम चल रहा है, और इसका यहाँ से अच्छा काम हो भी चुका है। वहाँ पीछे भी थोड़ी सी स्लाइड चलने लग गई है और ये आ जाता है टनल। तो इस टनल का दूसरा वाला एंड ना, जहाँ से पहले दोनों साइड से काम चल रहा था वहाँ से लगभग 80 मीटर का काम हो चुका था, उसका पूरा डैमेज हो गया, टनल ही गिर गया, और अभी खाली इस वाली साइड से काम चल रहा है, उस वाली साइड से फिर समझो बंद ही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड चलने लगी है, तो यहाँ पे टनल के बीच में से जो पानी वगैरह आ रहा है ये देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पे। एक बार पहले भी यहाँ पे ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने लग जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बाहर से, ये देख सकते हैं। तो 895 मीटर्स का टनल रहने वाला है, तो ये देख सकते हैं टनल ये रहने वाला है मिहाड़ कैफेटेरिया का टनल। ये टनल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है, तो उस जैम से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला टनल, जो कि रहता है अपना कैफेटेरिया मिहाड़ वाला टनल। तो जैसे ही आप इस टनल से निकलेंगे, आप सीधा इस ब्रिज से जाएंगे, और सीधा ब्रिज से आके आप देख सकते हैं वहाँ पे स्लाइड आई हुई है, तो वहाँ पे अभी बीच में कटिंग वगैरह का काम बाकी है, बाकी देख सकते हो आप। तो ये जा रहे हैं अभी मिहाड़ वाले टनल के अंदर, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, बस यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर पूछते हैं किसी को। वही अभी कितनी कटिंग, कितने मीटर की कटिंग होगी, होगी 230 मीटर, कितने मीटर की कटिंग होगी, होगी 350 895 मीटर का पूरा है ना, 895। उस वाली साइड से आप बंद ही हो गया काम, एक ही साइड से लगा है।
जैसे आप इस टनल में से निकलेंगे ना, तो टनल सीधा इस रोड से जाके मिलेगा, इस वाली रोड से और सीधा आगे। तो एक जो बाहर का जाने वाला है वो रहेगा कट एंड कवर टनल, वो रहेगा बाहर से, और एक रोड रहने वाली है ये वाली, ये देख सकते हैं रहता है टनल। तो यहाँ पे पूरे टनल के अंदर ये देख सकते हैं कीचड़ ही कीचड़ है। तो यहाँ जाता है मिहाड़ कैफेटेरिया वाला टनल। तो गाइस ठीक पीछे देख सकते हो यहाँ जाता है मिहाड़ वाला टनल, जिसको कैफेटेरिया मिहाड़ वाला टनल कहते हैं। अभी हम टनल के बाहर खड़े हैं और अंदर चलेंगे, फिर जब पूरा कटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तब चलेंगे अंदर। अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा टनल ऐसा। तो अभी जैसे मैंने आपको ये वाला टनल दिखाया और वहाँ आगे जाके भी दिखाया, अब चलते हैं। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी रोड की कंडीशन दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है ना। और ये देखो हाईवे के बीच में कितना बड़ा पत्थर है भाई, नीचे लग जाएगा गाड़ी का तो चैम्बर वगैरह टूट जाएगा, बहुत बड़ा पत्थर है। तो चलते हैं आगे से, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप है यार। तो यहाँ पे हमारे को गाड़ी में मिल रहे हैं विकार रसूल जी, देख सकते हैं, जो कि शायद बनिहाल के MLA थे किसी टाइम कांग्रेस के। चलते हैं गाइस। रोड की हालत देख लो, काफ़ी ख़राब है, काफ़ी बुरी है। और जैसा मैंने टनल का बताया, 350 मीटर तक कटिंग हो चुकी है, टोटल कितना रहा है 895 मीटर्स। तो 895 मीटर में से 350 यानी 350 मीटर्स तक अंदर चले गए हैं सुरंग के, और अभी एक ही साइड से काम चल रहा है। पहले जो था दूसरी वाली साइड से भी माइनस हो रहा था, बट अब वहाँ पे डैमेज हो गया, तो अब खाली एक ही साइड से काम चल रहा है। और इस वाली साइड से देखते हैं अब कहाँ पे जाके निकलेगा टनल। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो, और ये आ जाता है अपना नेशनल हाईवे 44। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही हम आगे वीडियोस लेके आएंगे, वरना फिर वीडियोस भी बनाना पॉज कर देंगे। थैंक यू सो मच।